नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलसौड में मौजूद हूं और सबकी निगाहें आज घोसी उपचुनाव पे लगी हुई है थी, जिसमें अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है, जो रुझानों में के अनुसार तीसवें राउंड की गणना समाप्त हो चुकी है। तीसवें राउंड में सुधाकर सिंह जो है 38,000 वोटों से भारी बढ़त जो है बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बनाए हुए हैं। लगातार उनकी बढ़त जो है जारी है और दो राउंड की महज जो है मतगणना बाकी रह गई। यह जो अपडेट है जो 4:33 पे न्यूज 18 के जो है माध्यम से जो है हमें प्राप्त हुई है। तो आइए जो है यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है बेचैन यादव जी, जो कि इस चुनाव को बहुत करीब से जो है देख रहे थे और उनकी नजरें जो है इस चुनाव पे थी, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया जानते हैं कि आखिर सुधाकर सिंह जो है चुनाव जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक है और हारे कई दलों के मंत्री हैं। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है जी? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारत मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुखर होकर के यह बात सामने रखी है। और यह एक जन संदेश जनता का बहुत अच्छा है और एक अच्छा संदेश दिया 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। और घोसी की जो जनता है मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने चुनाव किया है और बिना किसी सोच समझ करके उन्होंने जो मतदान किया है उस मतदान का परिणाम आपके सामने नजर आ रहा है। चुनाव में जो है जातीय जो समीकरण थे सभी अस्त व्यस्त और ध्वस्त नजर आए। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं, अहंकारी जो प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग जो बड़बोलेपन है, जिनके बड़बोलेपन का कारण जो है पब्लिक का कहीं ना कहीं अंतर विरोध था और एंटी इनकमेंसी फैक्टर वहां पर नजर आता है। क्योंकि आप देखते हैं एक ऐसा प्रत्याशी जो अभी समाजवादी पार्टी में था और 18 महीने बाद फिर वो जो है बीजेपी में चला जाता है, कहीं ना कहीं लोलुपता है, उसको धन की लालसा है और लिलिप्सा के कारण से वो इस पार्टी में गया है और फिर से पुनः चुनाव लड़ गया है वहां पे। और इसलिए जनता में आक्रोश था और जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम धन्यवाद देते हैं उस जनता का जिन्होंने सर्वसम्मत से हर वर्ग के लोगों ने उसको जवाब दिया है। और जैसा कि जो है उत्तर प्रदेश में तो 7 जगह पे उपचुनाव हुए हैं लेकिन चर्चा में जो है घोसी चुनाव रहा है, इस पूरे देश में जो है चर्चा रही है, तो इस चुनाव से क्या देश की चुनाव की दशा और दिशा तय होने वाली है? घोसी से दशा और दिशा तय होने वाली इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल बेल्ट से आता है और पूर्वांचल एक ऐसा बेल्ट है जो निर्धारित करता है लोकसभा सीटों को और यहाँ से जो जीत कर जाता है कहीं ना कहीं वो सरकार में आड़े आता है। और भला क्यों ना, क्योंकि सारे प्रदेश के जो मंत्री हैं यहाँ पर लग गए थे और जो थिंक टैंक है वो भी यहाँ पर लग गया था। और सबसे बड़ा एक बड़बोलापन जिसको आप मंगरू चाचा कहते हैं, मंगरू चाचा का बड़बोलापन है, वो जहाँ भी जाते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं। वैचारिक मतभेद आप कर सकते हैं पार्टियों से लेकिन व्यक्तिगत मतभेद, जातिगत मतभेद यह मंगरू चाचा पर भारी पड़ गया है। और साथ ही साथ उनके और भी निषाद और विभिन्न प्रकार के जो मंत्री हैं आए और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो नहीं कहना चाहिए जिस टाइप्स के शब्दों को, उस टाइप्स के शब्दों से नवाजते हैं, यह बहुत ही गलत संदेश है। उस गलत संदेश का जनता जो है मुंहतोड़ जवाब दी है और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। धन्यवाद आपका। तो यह स्थानीय बनाम जो है बाहरी का भी जो मुद्दा घोसी चुनाव में जो है छाया रहा और कहीं ना कहीं ये स्थानीय जनता की जो है बड़ी जीत मानी जाएगी। जिस तरह से सुधाकर सिंह की जीत जो है पक्की है। भारत मीडिया के लेखन श्याम शर्मा के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।